यस एवरीबडी, क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। ये देखिए, ये एक AB लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर एक ये परपेंडिकुलर बना है कि ये परपेंडिकुलर बना है, तो AD और BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। तो उसने पहली बात हमें गिवन में क्या बता दी कि AD और BC इक्वल हैं, परपेंडिकुलर्स भी बोला है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गए, 90 डिग्रीज। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। क्या ये बात समझ आई? परपेंडिकुलर का मतलब ही, एल्टीट्यूड का मतलब ही 90 डिग्री होता है। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। टू प्रूव में वो हमसे मांग रहे हैं CD बाइसेक्ट्स AB। इसका मतलब समझो, ये लाइन CD है बेटा, नोट बाद में हो जाएगा, कॉपी पेस्ट करने नहीं आए, सीखने आए आप। CD लाइन है, इट बाइसेक्ट्स AB। बाइसेक्ट्स का मतलब क्या होता है? दो हिस्सों में बांटना। किसको बांट रहा है दो हिस्सों को? तो मतलब वो कह रहा है यार, OB और AO इक्वल प्रूफ कर दो। कहानी पकड़ में आई? सो दैट इज, इसका मतलब क्या है, AO इज इक्वल टू BO प्रूफ करना मुझे। कहानी पकड़ में आई सबको? पहले हमेशा क्वेश्चन रीड करना सीखो। जब ज्योमेट्री में क्वेश्चन रीड करना आ गया, माइंड माय वर्ड्स, कोई गलत हो ही नहीं सकता क्वेश्चन, सारी गेम ही है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ इसके प्रूफ में। पहला क्वेश्चन आया जिसमें अभी तक ट्रायंगल नहीं बताया गया कंग्रेंट का कौन से है। अब नोटिस करना मेरी कार कैसे चल रही है, AD, A से D, B से C, समझ गया, उल्टी डायरेक्शन में चल रही है इस बार। AD, BC, ये दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और अगर नोटिस करो ये एंगल भी तो इस एंगल के इक्वल है। कौन, क्यों? तो इसको नाम दे दूं 3 और इसको दे दूं, सही है, मन में कर लिया, दो एंगल और बाहर वाली साइड, तो कौन सी कंग्रेंसी? AS, एग्जैक्टली राइट। कौन सी? RHS, सुनिए, 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज के बारे में चर्चा ही नहीं है, तो आज RHS नहीं लगेगी। आओ जी, इन ट्राइंगल नामकरण देखो, ए, अब आप बताओ बनिया नाम, ए अगर ये AOD है तो दूसरा नाम क्या होगा? वेरी गुड, ये कार इधर से इधर और ये कार इधर से उधर, समझ गए, BOC। हमेशा पहले की फेज में एंड लिखना है, प्रूफ करने के बाद कॉन्ग्रेंट का साइन डालना है। सबसे पहले AD पोजीशन देखो, AD इज इक्वल टू गिवन, गिवन का जी लिख रहा हूं मैं। आगे एंगल AOD इज इक्वल टू BOC, नाम से ही पता चल रहा है, पर मैंने इनको नामकरण क्या कर दिया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। और तीसरा केस, एंगल 1 देखो, फिर से देखो, A यहां पे है और उसकी पोजीशन पे क्या है, A और B, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, गिवन लिख दो या ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है। सो देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOC बाय AAS। गलती से AS नहीं लिखना, आधे से एक नंबर कट जाएगा, ठीक है। सो ये पार्ट हो गया, अगर ये हो गया मुझे क्या प्रूफ करना है, AO पहली दो पोजीशन, BO पहली दो पोजीशन, सो AO इज इक्वल टू BO, CPCTE रिजल्ट, और अगर ये लग गया बेटा तो दिस इंप्लाइज CD बाइसेक्ट्स AD। आई होप ये चैप्टर ना मेरे हिसाब से लाइंस एंड एंगल से भी आसान है, ये उससे भी इजी चैप्टर जाएगा आपका, करिए नोट।